वीर दुर्गादास राठौर की जयंती के उपलक्ष्य में मसूरिया पहाड़ी स्थित वीर दुर्गादास स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के साथ ही महापौर घनश्याम ओझा सहित वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। इससे पूर्व बैंड बाजों से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर महापौर घनश्याम ओझा ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौर की जीवनी और उनकी स्वामी भक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मारवाड़ के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले राठौर की हर बात को उनके जीवन में उतारने की आज के दौर में आवश्यकता है। मारवाड़ के वीर योद्धा देव स्वरूप दुर्गादास की जयंती पर पूरा देश मना रहा है। दुर्गादास जी ऐसे योद्धा थे जो सरकार को बेटी बचाओ अभियान चल रहे हैं। दुर्गादास जी महाराज ने वो काम करा था, उसके सांझा की लड़की को रख करके पास में जाके उनको दिल्ली सपूत करा, दुश्मन की बच्ची को रख बेटी जैसा रखा, मान सम्मान से उनके हवाले करा। आज से नहीं, हिंदू तत्व राजतत्व में आज से परंपरा चलती आ रही है। देश का दुर्भाग्य है ऐसे दुर्गादास जी जाके मुसलमान की लड़की को बादशाह को नजर करा गया। ये लो पूछा तो तुम जानती हो नहीं, नाम सुना है तो बादशाह का मेरा दुश्मन होके लड़की को घर ला के पहुँचाया। इज्जत सम्मान के साथ ऐसे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम भी राजपुतों को सबको करना चाहते हैं कि दुर्गादास जी जैसे वीर योद्धा के मार्ग पर चल कर देश का इतिहास कर। वीर दुर्गादास राठौर उनकी आज जयंती है। उन्होंने अपने बलबुद्धि से, अपने शौर्य से, कुशल राजनीतिक होने के नाते, चिंतक होने के नाते मावाड़ का नाम न्यूसा में नहीं पूरे विश्व के कई देशों में किया। उनकी स्वामी भक्ति की चर्चा आज भी कई जगह की जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने खुद को बहुत तकलीफ सहन करके कई प्रकार की विघ्न उन्होंने झेले, उसके बावजूद मावाड़ के हाथ में उन्होंने मावाड़ के शान पे किसी प्रकार हाथ नहीं आने दी। ऐसे विद्युत जी को हम सत नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। आपने देखा होगा पिछले वर्ष वीर दुर्गादास समिति बन जिनके माध्यम से दुर्ग गाथा का आयोजन किया गया था और उनकी जीवनी को दर्शकों के सामने पूरी जनता के सामने लाने की कोशिश की गई थी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के आयोजन बार बार होंगे तो इनकी स्वामी भक्ति, इनकी वीरता, इनकी कुशल बुद्धि चातुर्य का जानकारी लोगों को मिलेगी।